उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अराजक तत्वों ने मस्जिद की दीवार पर धार्मिक नारे लिख दिए। विरोध में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मामला थाना देहली गेट क्षेत्र का है, जहां शनिवार देर शाम अराजक तत्वों ने मस्जिद की दीवार पर धार्मिक नारे लिखकर माहौल खराब करने की कोशिश की। रविवार दोपहर समाजवादी पार्टी के महानगर मंत्री मनोज यादव और पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं को लेकर एसपी सिटी कार्यालय पहुंच गए और एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक को ज्ञापन सौंप दिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं मस्जिदों पर जाकर जय श्री राम की जो लिखा है, इससे फिजा खराब करने का उनका पूरा इरादा है। लेकिन मैं अपने अलीगढ़ के मुस्लिम समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो प्रशासन की बहुत मान सम्मान कर रहे हैं, और कोई भी ये ना समझे कि मुस्लिम यहां पर कमज़ोर है। मुसलमान सिर्फ फिजा को ख़राब नहीं करना चाहता, मुसलमान अपनी तरक्की को चाहता है, और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजा को ख़राब करना चाहते हैं। क्या जय श्री राम लिखने से क्या हिंदू हो जाएंगे? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? मैं भी जय श्री राम कहता हूँ, लेकिन किसी के दरबार पर किसी के घर पर जान के इस तरीके का हालात रहे तो हम भी 786 लिखना चालू कर देंगे। कहते हैं कथित कि हिंदू हैं, मैं भी आज से लगाता हूँ कि हिंदू मनोज यादव क्या समाजवादी में हिंदू नहीं है? या अलीगढ़ में केवल चुनिंदा 2 या 4 या 5 हिंदू हैं, उन्हीं के नाम से हिंदुत्व का नाम आगे जाएगा? इन्होंने जिस तरीके से अयोध्या अगर जाना है तो जाएं, खर्चा मैं करता हूं, 2 बसें मैं देता हूं, भेज जाएं, हमें इनविटेशन मिले हम भी जाएंगे, खुशी है। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप दूसरों की मस्जिदों पे, दूसरों के घरों पे आप लिख रहे हैं कि अयोध्या चलो, जय श्री राम का नारा तो हर हिंदू के दिल के अंदर है। लिखा था उसको मिटाया और उसको पेंट वेंट करा दिया। लेकिन मेरा कहना ये है, ये कौन लोग हैं जो शहर के अंदर आग लगाना चाहते हैं? इलेक्शन का वक्त है, थाने के सामने एक चुनौती भरा नारा, ये वो लोग जो शहर के अंदर आग लगाना चाहते हैं, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और इन पे NSA लगा के कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजा जाए। मेरी कप्तान साहब से भी बात हुई है और मैं पुलिस से ये गुजारिश करूँगा कि बिना देर किए हुए इसके अंदर FIR करी जाए, और जो लड़के जो हैं जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करी है उनको चिन्हित करके जेल भेजा जाए। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कुछ लोग मस्जिद की दीवार पर धार्मिक नारे लिखकर वीडियो बना रहे थे। वीडियो में दिखने वाला युवा खुद को BJP का नेता बता रहा है। पूरे अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ महानगर के अंदर या पूरे भारत के अंदर तैयारियां जोर चल रही हैं 22 जनवरी को लेकर। हमारे अलीगढ़ में इस समय हमारे सभी संघ के स्वयंसेवक और भजनदल के कार्यकर्ता, भाजपा के युवा लेखनगर इस समय काम कर रहे हैं, जगह जगह श्री राम जय राम चलो अयोध्या धाम 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके सभी कार्यकर्ता हर जगह हर नगरों में लगे हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। यहाँ कुछ क्षेत्रीय लोग आए थे जिसमें उन्होंने ये डिमांड की थी कि जिसमें विधिक कार्रवाई इसमें तुरंत की जाए और इसमें जो है अपराधियों को तुरंत क्या कहते हैं पकड़ा जाए। उसी संबंध में कुछ लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। कुछ चिन्हित किए गए हैं सर? वीडियो के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है थाना देहली गेट पर, उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए इसमें जल्दी जो है अग्रिम आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अलीगढ़ की फिजा खराब करने की कोशिश की गई है और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी। अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक कार्रवाई की जाती है और कब तक गिरफ्तारी होती है। अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, UP तक।